So here we are with the top 20 MCQs on the political associations before INC. अगर आप जो है ना इंटरनेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल मूवमेंट के जो है ना पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर आईएनसी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। ये जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिक किए हैं जो मुख्तलिफ जो है ना ऑल इंडिया एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाए, तो इसलिए जो है ना इसके लिए रेडी रहिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, इनमें से इंडियन एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? दादा भाई नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो इसका आंसर है, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें इसकी जो है ना मैंने ये इंडियन पोलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द आईएनसी में उसमें मैंने पढ़ाया है, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। द फर्स्ट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1838 वॉज, जो पहली पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 1838 में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी वो कौन थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश बंगाल, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, शेल्टर्स सेटलर्स एसोसिएशन या जिम्मेदारी एसोसिएशन? तो इसका आंसर है जिम्मेदारी एसोसिएशन, जो 1838 में इसकी फॉर्मेशन होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वॉज इसमें नेशनलिस्ट का मतलब पैन इंडिया है, पैन इंडिया। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो कौन थी? इसका आंसर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो सबसे पहले कांग्रेस प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, पैन इंडिया फैली हुई थी या किसी हद तक फैली हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस जो आज का IAS है, इसका फिर ICS, इसका पहले नाम था ICS, तो इसको फिर बाद में नाम चेंज करके IAS रखा गया। तो पहला ब्रिटिश लीडर कौन सा था जिसे जो है ना इस सर्विस से डिसमिस किया गया था? कौन थे वो? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, RC दत्त या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, जिन्हें जो ब्रिटिशर्स ने ICS से डिसमिस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द, यानी इन्हें कब किस साल में जो है ना ICS से डिसमिस किया गया था? 1874, 1877, 1885 या 1892? तो इसका आंसर है 1874 में इन्हें जो है ना डिसमिस किया गया था अपनी सर्विसेज से। द नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विच मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, ये कब 1886 में जो है ना कौन सी एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की थी वो INC के साथ मर्ज हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 1886 में जो INC से पहले की पैन इंडिया सोसाइटी पैन इंडिया एसोसिएशन थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पोलिटिकल रिफॉर्मर्स, इनमें से कौन सा इंडियन था जिसने सबसे पहले पोलिटिकल रिफॉर्मर्स को रेजिस्ट करना शुरू किया था? तो वो था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिर से वही। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मद्रास महाजन सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, मद्रास महाजन सभा किस साल में बनी थी? '84, '81, '82 या '83? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1884 में जो है ना 1884 में पहली दफ़ा जो मद्रास महाजन सभा इस्टेब्लिश हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following was one of the founders of the Bombay Presidency Association in 1885? कौन था इनमें से जो founder था Bombay Presidency Association? फिरोज शाह मेहता, आनंद चल्लू, राघवाचार्य, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? कौन थे? तो इनमें से जो founder था Bombay Presidency Association वो थे फिरोज शाह मेहता, जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को 1885 में बनाया था।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि हमें बताना है कि सबसे पहले कौन बनी थी, इसके बाद कौन बनी थी, तो उनको उसी ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें जो है ना बताना है कि पहले कौन बनी थी, दूसरा कौन बनी थी. तो सबसे पहले जो है ना बॉम्बे एसोसिएशन बनी थी 1885 में. बॉम्बे एसोसिएशन 1885 में. हम ये भी पता करते हैं कि ये कौन कब बनी थी. मद्रास महाजन सभा बनी थी 1884. और इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी. इंडियन एसोसिएशन बनी थी 1876 में. तो और इंडियन लीग 1875 में. तो अब आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहला कौन सा है. तो इसके आप खुद अरेंज कर सकते हैं, यह तो मैंने बता दिया है. बाकी यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा वो आप खुद देख लीजिए. नेक्स्ट आगे चलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट मैच करेक्टली. फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड. यानी कि आप हमें बताना है कि इनमें से करेक्टली कौन सा मैच नहीं हो रहा है. तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ बनी थी, लंदन में. ये बता रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बनी थी कलकत्ता में. नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में बनी थी. या इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में बनी थी. इनमें से कौन से जो है ना दो गलत हैं. तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी वो बनी थी लंदन में. ये सही है, ये वाला सही है. दूसरा है इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कलकत्ता. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ की थी. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी लंदन में. इसको यहाँ पे कलकत्ता लिखा है, ये गलत है. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनी थी, यहाँ पे कलकत्ता लिखा है, गलत है. नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में बनी थी. क्या नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में बनी थी. नहीं, ये कलकत्ता की बनी थी. ये जो है ना नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनी थी. लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है ना वो कलकत्ता में बनी थी. सॉरी, इंडियन एसोसिएशन क्या वो बॉम्बे में बनी थी. क्या इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में बनी थी. नहीं, ये गलत है. इंडियन एसोसिएशन जो थी वो कलकत्ता की थी. इंडियन एसोसिएशन वो ब्रिटिश, जिसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी कहा जाता है, वो कलकत्ता की थी. तो इसमें से गलत है 2 और 4. इसमें गलत है 2A, 2 और 4. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग. तो सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फाउंडिंग ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन फ्राम द गिवन बोर्ड. यहाँ ये जो कोड गिवन है इनमें से हमें देखना है कि इनको क्रोनोलॉजिकली सही ऑर्डर में पहले हमें डालना है, फिर हमें खुद इसका जो है ना आंसर खुद ही पता चलेगा. तो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा कब बनी थी. वन सेकेंड, ये तो सबसे पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन थी जो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स ने बनाई थी. तो ये 1836 में बनी थी. 1836, तो इसकी ये बनी थी 1836 में. उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, ये कुछ 38 में बनी थी. और उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी थी. उसके बाद है इंडियन लीग अगर आपने ध्यान में रखा तो कुछ 75 में बनी थी शायद. हाँ, 75 में ही बनी थी. तो ये बनी थी 75 में. तो हमें बताना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये तो ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ही, तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4 ये वाला इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. हमें बताना है कोड इनमें से यहाँ पे दिया हुआ है. हमें इनको जो है एक दूसरे के साथ
मैच करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन से फाउंडर्स हैं या एसोसिएट्स हैं, तो हमें एक लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ना, लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर, ये सही है। ब्रिज इंडिया सोसाइटी के साथ कौन थे, इसके कोड्स क्या क्या हैं, तो हाँ ये पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो द्वारकानाथ टैगोर। दूसरा है ब्रिज इंडिया सोसाइटी, ये थे विलियम एडम्स। तो इंडियन सोसाइटी बनाई थी आनंद मोहन बोस ने, इंडियन एसोसिएशन के साथ थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका बनता है 4321 वाला आंसर इसका सही होना चाहिए, 4321 वाला आंसर, गो कि ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, गजलुलु लक्ष्मी रासु चट्टी फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इनमें से मैं बताना है करेक्टली कौन इनमें से करेक्टली कौन कौन सा मैच किया गया है। तो हमें अगर हम ध्यान से देखें, ये सही है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है। मद्रास महाजन सभा किसने बनाई थी, मद्रास महाजन सभा बनी थी आपको ये अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि वीरा राघवाचारी बी सुब्रमण्य अय्यर या आनंद चालू ने बनाई थी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कुछ लक्ष्मीराज चट्टी ऐसे कुछ, तो ये गलत है। आगे चलते हैं, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है, और आगे जो है ना यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं उनको जो हमें उनको देखे फिर मैच करके आंसर बताना कि कौन सा होगा। तो इंडियन लीग किसने बनाई थी, हमें यहाँ पे लिस्ट वन में जो एसोसिएशन हैं इनके फाउंडर्स हैं लिस्ट टू में, तो हमें बताना है इंडियन लीग जो है ना, इंडियन लीग बनाई थी 1875 में शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस ने बनाई थी। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसने ये तो सर सैयद अहमद खान की ही है, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन किन की थी, वो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर है होना चाहिए ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3 और 1 2 3 4 होना चाहिए इसका आंसर। तो 1 2 3 4 देखते हैं कहाँ पर है, 1 2 3 4 हाँ डी में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दैट मीन्स ये वाला इसका आंसर है, 1 2 4 3 ना, हाँ ये ऐसे 1 2 4 3 ऐसे, इसका मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऐसे ये है, तो बाकी ये दो ऐसे हैं सही है। चलो आगे चलते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे हमें गलत हो गया था, आगे चलते हैं। Which among the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 या लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ 1844, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए अगर आपने अभी तक भी अगर आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू एनकरेज अस फॉर मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस दैट कुड हेल्प यू मोर इन योर एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर है देखिए द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये भी सही है, ये 1804 में बनी थी, तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ये भी सही है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या ये सही है, नहीं ये 1838 में बनी थी, 38 में ही बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, आजकल जो है ना ट्रेंड कंपटीशन बढ़ चुका है तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी किस्म के होते हैं, मैच लिस्ट विद दिस एंड दिस, यही ऐसा कुछ।
तो ये एक साइड में हमारे लिस्ट वन में एसोसिएशन, लिस्ट टू में फाउंडर्स हैं, तो हमें ये मैच करने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप तक रखता हूँ, आप इसका आंसर हमें अगर आपको अगर आपने सही से आगे वाले जो मैंने एमसीक्यूज अगर आपने वो वाले देखे होंगे तो आप आराम से जो ना इसके इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो आई होप आप इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको कोई कमी इस वीडियो में लग रही है या आपको कोई सजेशन है आपकी कोई, या आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में वो भी बताइए। आगे चलते हैं। तो ये इसकी पीडीएफ यहाँ पे, ये इसके आंसर्स हैं। इसकी पीडीएफ में ई उस्ताद की एप्लीकेशन आती है, ई उस्ताद की एप्लीकेशन आती है, जिसका लिंक जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं रखूँगा। इसका इसका इसकी पीडीएफ वहाँ मिलेगी। और अगर आप और भी डेली बेसिस पे ये एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ हर रोज़ शाम को जो है हर रोज़ शाम को एमसीक्यूज का ये जो है ना 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फटाफट उसका आंसर बताना होता है। वहाँ पे बहुत सारे लड़के ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसका, आप या तो आप ई उस्ताद सर्च कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो क्लिक करके इस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। फ्री में आपको ये मिल सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।